जब भी आईपीएल चलता है तो लगभग 2 महीने के लिए हम टीवी के साथ जुड़ जाते हैं, अपने टीम के साथ जुड़ जाते हैं और बिग बैश लीग का भी हम मजा लेते हैं, खासकर विमेंस बिग बैश लीग का, क्योंकि उसमें हमारे कुछ खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये देखते हुए आप ये जरूर सोचते होंगे कि बिग बैश लीग में जब हमारे विमेंस क्रिकेटर कुछ खेल रहे हैं तो आईपीएल में क्यों नहीं खेलते हैं। पर देखा जाए तो आईपीएल तो है ही नहीं, विमेंस आईपीएल, तो विमेंस आईपीएल है क्यों नहीं, इसकी शुरुआत कब होने वाली है और कब हो सकती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विमेंस आईपीएल की बात तो कई सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल आप और हम ही सोच रहे हैं इसके बारे में, सोचा है इसके बारे में बीसीसीआई ने भी जरूर और कुछ कदम भी उठाया है। 2017 में ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ, चर्चा होता हुआ हमको दिखा विमेंस आईपीएल का, क्योंकि 2017 में भारतीय टीम जो थी विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम वो पहुंच गई थी फाइनल में विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप के, जो खेला गया था 2017 में इंग्लैंड में, और उसके बाद 2018 में हमको पहली बार बीसीसीआई एक कदम उठाता हुआ दिखा और विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम 2020 में भी T20 वर्ल्ड कप के पहुंच गए थे फाइनल में। इसके बाद सवाल तो यही बनता है कि जब 2015 में विमेंस बिग बैश लीग शुरू हो चुका है और 2021 में हमको देखने को मिला विमेंस का 100 भी, तो अभी तक 2021 में हमको क्यों देखने को नहीं मिल रहा है विमेंस आईपीएल, ये तो सवाल बड़ा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक टूर्नामेंट को जब शुरू करना होता है और उसको सफल बनाना होता है तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, चाहिए होता है उसमें मनी, पैसा, साथ ही साथ स्टेडियम्स जहां पे खेल सके, कुछ फैसिलिटीज जो कि हर खिलाड़ियों को चाहिए होता ही है, तो वहीं पे चाहिए होता है एक ब्रॉडकास्ट चैनल ताकि प्रसारण कर सके और स्पॉन्सर्स। लेकिन क्या इन चीजों से काम बन जाता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो इसमें मिसिंग है और वो है क्वालिटी प्लेयर्स और साथ ही साथ ज्यादा प्लेयर्स। तो क्या भारत के पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, जिसके चलते क्या हमको दर्शक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि दर्शक अगर नहीं होंगे तो बीसीसीआई को मिलेगा फिर क्या, क्योंकि दर्शक भी चाहिए, उससे पहले चाहिए क्वालिटी प्लेयर्स। तो अगर भारत के पास ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है तो जो क्रिकेट एक्सपर्ट है और कमेंटेटर है हर्षा भोगले, उनका एक चीज कहना था विमेंस आईपीएल को लेकर, और उन्होंने कहा था कि विमेंस आईपीएल को शुरू किया जा सकता है 6 फॉरेन प्लेयर्स और 5 इंडियन प्लेयर्स के साथ, लेकिन जैसे जैसे विमेंस आईपीएल बढ़ता जाएगा वहां पे इंडियन प्लेयर्स का जो संख्या है उसको भी बढ़ाते जाएंगे और जो संख्या है फॉरेन प्लेयर्स का उसको घटाते हुए जाएंगे, जिसके चलते हो सकता है एक वक्त पे ऐसा देखने को मिले कि दोनों ही आईपीएल यानी कि मेंस आईपीएल और विमेंस आईपीएल में हमको देखने को मिले 7 इंडियन खिलाड़ी और मात्र 4 ही फॉरेन खिलाड़ी। तो ये जो हर्षा भोगले ने आइडिया दिया था इनसे क्या आप सहमति रखते हो, लेकिन विमेंस आईपीएल को लेकर जो बीसीसीआई ने सहमति दिखाई थी उसके चलते 2018 में इन्होंने पहली बार कदम दिया था और शुरू किया था विमेन T20 चैलेंज, जहां पर मात्र 2 ही टीमें थी जिनका नाम था आईपीएल सुपरनोवास और आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स, और इनके बीच मात्र 1 ही मैच खेला गया था जो जीत लिया था आईपीएल सुपरनोवास ने और बन गए थे वो चैंपियंस विमेन T20 चैलेंज 2018 का। तो वहीं पे 2019 में एक और टीम को जोड़ा गया था जिनको नाम दिया था आईपीएल वेलोसिटी और इसको एक बार फिर से आईपीएल सुपरनोवास ने जीत लिया था। तो वहीं पे जो 2020 का एडिशन था वो पहुंच गया था यूएई में शारजहां पर COVID-19 के चलते, और इसको पहली बार जीतने में सफल रहे थे आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स और बन गए थे पहली बार वो विमेन T20 चैलेंज चैंपियंस। लेकिन उसके बाद अभी तक 2021 में हमको देखने को नहीं मिला है विमेन T20 चैलेंज, या फिर यूं कहें विमेन का आधा अधूरा आईपीएल। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि यहां से हमको काफी जल्दी 8 टीमों के साथ विमेन आईपीएल शुरू होता हुआ दिखे, ताकि हम भी देख सके हमारे भारतीय महिला क्रिकेटर सुपरस्टार्स जैसे कि स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिक्स, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज, जूलन गोस्वामी और दीप्ति शर्मा जैसे अन्य और खिलाड़ी और आईपीएल में हमको चमकते हुए दिखे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपको छोड़े जाता हूँ, लेकिन कहूंगा जरूर कि इस वीडियो को आप करें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि क्रिकेट दादा में जो भी पहलू रहता है क्रिकेट से जुड़ा लेके आएंगे और बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय एंड टेक केयर।